लाइक सैनिटरी पैड्स एंड या फिर इरेजर्स, या फिर मुझे वैक्सिंग कहाँ से करानी है, या फिर मुझे वैक्स स्ट्रिप्स कहाँ से मिलेंगी। तो प्रॉपर अच्छे से सील करके आप सिर्फ और सिर्फ एक लाइटर जो है वो कैरी कर सकते हो। सो जब भी हम किसी भी कंट्री में जाने की प्लानिंग करते हैं, सो हमें लगता है कि जितना भी सामान हो पाए हम सब कुछ भर लेते हैं। एंड अपने जो मैं अपने बालकनी में या गार्डन में प्लांट्स लगाती हूँ, आई होप कि मैं वहाँ ले जा पाऊँ, या फिर मुझे घर का घी बहुत पसंद है, मैं वहाँ पे ले जा पाऊँ, मैं सारे अपने रजाइयाँ तक ये बेडशीट्स ले जाऊँ। सो ऐसा नहीं करना है। क्या क्या चीज़ें आप ला सकते हो और क्या क्या आपको सेम प्राइस या क्या पता इंडिया से भी या फिर कम प्राइस में आपको मिल जाए, सो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। सो आज हम ये सारी चीज़ें ही डिस्कस करेंगे। सो या वेलकम टू माई चैनल रब्दी मेहर, और मैं हूँ प्रिया महाजन। सो आज जैसे कि आपने टाइटल में देख लिया होगा कि हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जब आप यूके में मूव हो रहे हो या यूके में आ रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें नहीं लानी है। सो हम इसमें दो चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम ये डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट कि लीगली क्या अलाउड नहीं है, सेकंड कि क्या आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। सो हम आज इन दो वेज में जो है अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपके पास एक प्रॉपर लिस्ट हो कि मुझे क्या क्या नहीं लेके जाना है। तो आप ये सारी चीज़ें नोट कीजिए और मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सो या सबसे पहले बात करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स की। सो डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो रेस्ट्रिक्टेड आइटम है, यूके में आप नहीं ला सकते हो। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि हम चोरी से ले आए थे या फिर हमें किसी ने रोका नहीं, बट ये लीगली अलाउड नहीं है। वो उनका फॉर्चून है कि कुछ लोगों को नहीं रोका गया, बट आई विल से कि आप डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेके आइए, बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए, आपको कहीं भी रोक लेंगे। बट बच्चों का जो है जर्नी के लिए आप मिल्क प्रॉपर ला सकते हो, बच्चे के आइटम्स के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बट आप ऐसे प्रॉपर बना के घी वगैरह और या फिर दूध दही ऐसा कुछ भी नहीं ला सकते। सो नंबर वन आइटम इज कि आप डेयरी प्रोडक्ट को नहीं ला सकते हो। सेकेंड थिंग इज जो बहुत ज़्यादा हमारे माइंड में रहता है कि हम नाइफ लेके आ सकते हैं या नहीं लेके आ सकते हैं। तो नाइफ आप लेके आ सकते हो यूके में, बट आप उसको हैंड लगेज में नहीं ला सकते हो। वो वहीं पर ही जब आपकी चेकिंग होगी, आपके सारे बैग्स चेक होंगे जहाँ पर लैपटॉप्स एंड फोन चेक होते हैं, वहीं पर वो निकाल देंगे। मेक श्योर कि आप जब भी नाइफ लाना चाहते हो एक प्रॉपर मीडिएटर साइज का लेके आइए, जो हम कुकिंग में यूज़ करते हैं, नहीं कि इतने बड़े बड़े नाइफ लेके आ जाएं। सो वो भी आप चेक इन बैग में ही ला सकते हो। सो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए, आप इसको सिर्फ और सिर्फ चेक इन बैग में ला सकते हो, हैंड बैग में नहीं ला सकते हो। बट यस, आप नाइफ जो है वो ला सकते हो। थर्ड जो मेन पॉइंट आता है, कोकोनट जो है वो बहुत ही रेयर चीज़ है जो कुछ लोग लाना चाहते हैं, नहीं लाना चाहते, बट बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। वैष्णो देवी भी आप जाते हो वहाँ पर भी कई बार पूरे प्रॉपर कोकोनट को वो खोल के देखते हैं। सो आप कोकोनट जो है वो प्रॉपर जो है वो अवॉइड करिए, प्लीज़ डू नॉट कैरी कोकोनट। फोर्थ जो पॉइंट आता है वो ये आता है ड्रोन्स, जो कि जिससे आजकल बहुत लोग वीडियोस बनाते हैं, वो प्रॉपर रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि चेक इन बैग में कई बार अलाउड होता था, बट अभी जो है वो चेक इन बैग में भी बहुत रेस्ट्रिक्टेड है, आप उसको नहीं ला सकते हो। सो ड्रोन जो है वो प्रॉपर अवॉइड कीजिए। अगर आपको ख़रीदना है तो आप यूके से आके खरीदिए, बट आप उसको हैंड बैग या फिर चेक इन बैग में जो है वो कैरी मत करिए। नेक्स्ट जो आता है आपका लाइटर, जो लोग सिगरेट्स या कंज्यूम करते हैं उनको ये होता है कि हम अपने लाइटर्स ला सकते हैं या नहीं, तो आप चेक इन बैग में लाइटर नहीं ला सकते हो, बट आप अपने हैंड लगेज में लाइटर को कैरी कर सकते हो। बट वो भी एक प्रॉपर सीलेबल जो बैग होते हैं, जो प्लास्टिक के बैग होते हैं, प्रॉपर अच्छे से सील करके आप सिर्फ और सिर्फ एक लाइटर जो है वो कैरी कर सकते हो, बट वो भी प्रॉपर चेक होगा। सो आई वुड से कि अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो आप उसको अवॉइड कीजिए, बट अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते हो तो आप एक लाइटर जो है वो ला सकते हो। नेक्स्ट जो चीज़ है,
प्लांट सीड्स ये लीगली रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि ये कस्टम पे बात आ जाती है, क्योंकि जो प्लांट सीड्स किसी और कंट्री के हैं वो आप यहाँ पे आके उगा के उसको बड़ा नहीं कर सकते. सो जो प्लांट्स हैं या फिर सीड्स हैं वो यहाँ पर जो है वो प्रॉपरली रिस्ट्रिक्टेड हैं, तो आप उसको अवॉइड कीजिए. किस तरह का प्लांट आप नहीं ला सकते हो या फिर किसी भी तरीके का आप प्लांट सीड्स जो है वो नहीं ला सकते हो. नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि सॉल्ट, शुगर, कोई भी वाइट चीज़ आई वुड से कि अवॉइड कीजिए. कुछ लोग थोड़े क्वांटिटी में लेके आते हैं तो वो कुछ बोलते नहीं हैं, बट अगेन इसके बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी चेकिंग जो है आपका बैग खोल के देख सकते हैं, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि जो वाइट कलर के प्रोडक्ट हैं वो रिलेटेड भी होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके बैग प्रॉपर चेक हो सकते हैं. सो आप उसको अवॉइड कीजिए. यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रीजनेबल रेट पे शुगर, सॉल्ट या फिर आटा ये सब आपको प्रॉपर मिल जाएगा. अल्डी है, टेस्को है, क्वालिटी फूड्स है, आपको प्रॉपर हर चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी. उसकी जगह आप दालें लेके आइए जो आपको बनानी है, इस तरीके की चीज़ें लेके आइए. बट वाइट जो है पाउडरी थिंग कोई भी आपको लगती है वो आप अवॉइड कीजिए. नेक्स्ट आता है कि हम लेडीज़ के लिए या विमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है विमेन हाइजीन, लाइक सैनिटरी पैड्स एंड या फिर इरेजर्स, या फिर मुझे वैक्सिंग कहाँ से करानी है, या फिर मुझे वैक्स स्ट्रिप्स कहाँ से मिलेंगी. सो यहाँ पर जो है या फैशन हो या फिर हाइजीन हो वो आपको बहुत ही रिजनेबल प्राइस में यहाँ पर मिल जाता है. तो आप उसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी. 1 pound 2 pound में आपको इरेजर्स मिल जाएंगे. आपको वीट की जो स्ट्रिप्स हैं जो कि इंडिया में मोस्टली लोग यूज़ करते हैं वैक्सिंग के लिए, वो प्रॉपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगी. सैनिटरी पैड्स आपको जो है वो सेम प्राइस में इंडिया से मिल जाएंगे. तो आप उनको स्पेस देने की बजाय आप और चीज़ें लेके आइए. बट इनिशियल आई वुड से कि 10-15 दिन के लिए आप प्रॉपर सामान अपना ला सकते हैं. सो या सो मेक श्योर कि जब आप यूके आ रहे हो तो आप प्रॉपर मत भरिए, आपको सब सामान मिल जाएगा. जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो जो मैंने 3-4 months पहले बनाई थी कि आपको क्या पैक करना है, उसमें मैंने बताया था चाय छन्नी से लेके कुकर तक आपको सब कुछ मिल जाता है. सो इससे अच्छा है कि आप वो चीज़ें लेके आइए जो कि आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंट है. आपके 1-2 coat हो गए, या फिर आपको इनिशियल डेज में जो ज़्यादा ज़रूरत होगी, आपके शूज़ हो गए, आपके फॉर्मल क्लोथ्स हो गए, क्योंकि आपको आते ही ऑफिस ज्वाइन करना है. इंस्टेड ऑफ कि आप कुकर लेके आ रहे हो, पतीले लेके आ रहे हो जो कि आपका बहुत ज़्यादा स्पेस खाएंगे और आप अननेसेसरी जो है अपना लगेज वेट बढ़ाओगे. सो आप इन सब पॉइंट्स को जो है वो प्रॉपर ध्यान में रखिए बिफोर कमिंग टू द यूके एंड बिफोर स्टार्टिंग योर पैकिंग या फिर शॉपिंग करने से पहले. सो ये थे मेरे पॉइंट्स. आई होप कि आपको इससे जो है थोड़ी हेल्प मिली होगी कि आपको कितनी क्वांटिटी में चीज़ें पैक करनी है. एंड आई एम सेइंग ऑल द बेस्ट टू यू गाइस, सो दैट कि आप यूके आइए. आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं.